अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आज हम जो प्लांट लेकर आए हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा कैक्टस प्लांट है। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत कैक्टस का प्लांट, इसे पीनट कैक्टस कहते हैं। तो आज हम इसकी केयर और प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आप जानते ही हैं कि कैक्टस से बिलोंग जितने भी प्लांट हैं उन सब में थॉर्न्स पाए जाते हैं। इसमें इनकी सरफेस पे कांटे मौजूद होते हैं। इसी तरह कैक्टस की इस वैरायटी में भी बहुत ही बारीक और छोटे छोटे कांटे हैं। बहुत खूबसूरत स्टेम के साथ ये एक नाजुक सा प्लांट है और थोड़ा सा टच करने पर अक्सर इसकी स्टेम टूट जाती हैं। आज हम इस प्लांट को केयरफुली इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमने रूट बॉल से निकाल लिया है इसके प्लांटर में से, और इसकी रूट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश रूट्स हैं, और साथ ही इसमें केंचुए भी मौजूद हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत काम आते हैं। इसको प्लांटर से रिमूव करने में इसकी कुछ स्टेम जो हैं निकल कर गिर गई हैं, इनमें रूट्स भी मौजूद हैं, और इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इनको एज इट इज़ मिट्टी में लगा देंगे तो ये वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगी। और यही इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी है, इसकी स्टेम अगर कहीं पर भी टूट कर गिरती हैं तो वहीं से अपनी प्रोपगेशन स्टार्ट कर लेती हैं। तो अब हम इसे नए प्लांटर में शिफ्ट करते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए जो सॉइल प्रिपरेशन हम करेंगे उसमें 50% हम सैंड का यूज़ करेंगे और 10% कंपोस्ट और 40% हम इसमें सॉइल ऐड करेंगे। सैंड की ज़्यादा मिकदार हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाती है, और कैक्टस की ग्रोथ के लिए इस तरह ही की मिट्टी हमें चाहिए जो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन हो। ये एक प्लांटर लिया है हमने और इसमें कुछ कंकर ऐड किए हैं। थोड़ी सी हम ये सॉइल मिक्सचर इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके रूट बॉल को कम करेंगे यहाँ से, और इसके बाद हम केयरफुली इसे शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमने केयरफुली शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स इसमें से नीचे गिरे थे हमें उनमें भी ऐड करना है। तो फर्स्ट हम इसे पहले वाटर ऐड करेंगे। हमारे इस प्लांटर में ड्रेन होल मौजूद है तो एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेनेज होल से रिमूव हो जाएगा, और अब ये जो छोटे छोटे हमारे प्लांट्स हैं हम इनको एज इट इज़ यहाँ रख देंगे, और यहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही लो केयर प्लांट है, इसको शिफ्ट करने के बाद हम इसे शेडी एरिया में प्लेस करेंगे, और कुछ दिन बाद हम दोबारा इसे इसकी वापस जगह पे जहाँ थी वहाँ पे रख देंगे जो इसके लिए परफेक्ट और सूटेबल जगह है। यानी कि हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसे दिन में 3 से 4 घंटे की धूप प्रोवाइड हो सके। मैंने जिस जगह से रखा हुआ था वहाँ पर तो ये खुद ब खुद प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो चुका था। ऐसे लगता था कि जैसे हमें ख़ुद से इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि थोड़े से प्रेशर से बल्कि पानी के प्रेशर से भी अक्सर इसकी स्टेम टूट कर नीचे गिर जाती थी, और नीचे जिस भी प्लांट में गिरती हैं वहाँ से खुद ही प्रोपोगेट हो जाती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि हमने इस प्लांट की बेस में इसको रखा हुआ था और इसके बिल्कुल नीचे जो प्लांटर है वहाँ इसकी कुछ स्टेम टूट कर गिरती रहीं, और जहाँ जहाँ भी ये गिरी हैं वहीं वहीं पर इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। ये देखिए, इस तरह इसकी प्रोपोगेशन तो बहुत ही आसान है। ये एक और स्टेम, ये जस्ट मिट्टी के टच में आने की देर है और वहीं से ये अपना रूटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरह एक और प्लांट में इसकी कटिंग गिरी और यहाँ भी इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहता है और इसकी खूबसूरती में इजाफा होता रहता है।
और जब मार्च अप्रैल का मौसम आता है तो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग भी इसमें आती है। और कैक्टस की केयर कैसे की जाती है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इनको कम से कम पानी की ज़रूरत होती है और जब तक हम इनकी सोइल सरफेस ड्राई ना देखें हम इन्हें पानी बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि इनका ताल्लुक डेजर्ट से होता है और डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स मौजूद होते हैं उनमें वाटर रिटेन करने की, अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी मौजूद होती है, और जब इनमें पानी की कमी होने लगे तो ये अपने अंदर मौजूद पानी को यूज़ करते रहते हैं। तो पीनट कैक्टस पे भी हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे और अब हम इसे एक शेडी एरिया में शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।